Welcome, student. How are you? I hope you all are fine at your home. In our today's class, we will continue chapter number 2, addition. And the today's question is, add the following. Question number A, 243 plus 6. So, firstly, we will add the number 3 and 6. 3 or 6 ko hume plus karna hai. तो किस अकॉर्डिंग करेंगे नंबर 3 जो भी नंबर इसमें बड़ा है आपको वो आपको क्या करना है अपने माइंड में सोच के रखना है ठीक है नंबर 6 3 और 6 में से नंबर कौन सा बड़ा है नंबर 6 तो आपको माइंड में रखना है नंबर 6 और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा यानी स्मॉलेस्ट नंबर नंबर 3 तो उसकी जितनी आपको फिंगर्स करनी है 1 2 3 और हमने माइंड में कौन सा नंबर याद रखा है नंबर 6 तो 6 के बाद काउंट करना स्टार्ट करेंगे नंबर 7 8, 9. I will again explain this method. सबसे starting में हम किसी भी two digits को plus करेंगे. अगर आप ऐसे करेंगे, पहले number 3 लेंगे, 1, 2, 3, and then 6 लेंगे, तो उसमें ज़्यादा time लगता है, ठीक है? Answer वैसे भी आ जाता है, लेकिन उसमें ज़्यादा time लगता है. तो आपको कैसे करना है? आपको पहले इन दोनों में से कोई भी बड़ा नंबर अपने माइंड में याद रखना है देन उसके बाद आपको करना है कि नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उतनी फिंगर्स आपको फिंगर्स पे लेनी है काउंट करनी है एंड देन उसके बाद जो बड़ा नंबर आपने दिमाग में सोचा है माइंड में सोच रखा है उससे आगे आपको काउंट करना स्टार्ट करना है जैसे नंबर 6 था तो 7, 8, 9 तो वी विल फाइंड द आंसर 9 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है सो एज इट इज नंबर 4 and then 2 ka 2 as it is. Next 5 and 1. सबसे बड़ा नंबर माइंड में रखना है और इसमें 1 नंबर तो 5 के बाद हम काउंट करेंगे 6. तो 5 and 1, 6. नंबर 6. Then 4 and 2. तो 4 हम अपने दिमाग में सोच के रखते हैं 4. टू नंबर स्मॉलेस्ट नंबर के जितने हम फिंगर्स काउंट करेंगे नंबर 2. अब हमने जो नंबर सोचा है बड़ा नंबर 4 4 के बाद काउंट करना स्टार्ट करना है हमें 5 6 ओके नंबर 6 एंड देन 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो एज इट इज देन 0 प्लस 2 कभी भी किसी भी नंबर में अगर 0 प्लस करते हैं तो आंसर हमें वही नंबर मिलता है जो हम जिसमें हम वो नंबर 0 प्लस करते हैं अगर 3 में 0 प्लस किया 0 प्लस 3 तो 3 0 प्लस 7 तो 7 या ऐसे होगा 4 प्लस 0 0 पहले हो या बाद में हो आंसर जो नंबर आप उसमें प्लस कर रहे हैं वो ही आएगा 0 प्लस 7 तो 7 5 का 5 एज इट इज नेक्स्ट 8 प्लस 0 ठीक है आप कोई भी नंबर 0 में प्लस करते हैं तो वही नंबर आता है जो नंबर हम प्लस कर रहे हैं तो 8 का 8 एज इट इज 8 और 1 9 5 का 5 एज इट इज 8 एंड 1 अगेन 9 0 प्लस 2 क्या आएगा 0 का कोई मींस नहीं होता 2 का 2 एज इट इज एंड 6 नेक्स्ट 0 प्लस 9 9 6 प्लस 2 6 हम अपने दिमाग में याद रखें नंबर 2 2 फिंगर्स हमने ली 6 के बाद काउंट करेंगे हम 7 एंड 8 नंबर 8 एंड देन 3 का 3 एज इट इज So these questions are at the page number 35 and 36 in your book. You all the student do question number 35, do question number 3rd at the following, at the page number 35 and 36 in your book, not in your copy. Sirf book mein karna hai aapko, copy mein nahi karna hai. Thank you.